पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की फ़ोटो है और आज पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती यानी इनका डे के रूप में एलुमिनी डे के रूप में मनाया जाता है, MNIT एलुमिनी डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती आती है और उनका जन्मदिन इस जयंती के रूप में मनाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी आज ही के दिन होती है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इसी दिन MNIT का एलुमिनी डे भी मनाया जाता है। जयंती होने की वजह से MNIT एलुमिनी डे भी मन जाता है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी मन जाती है। एलुमिनी डे पर हम 25 साल और गोल्डन 50 साल वाले एलुमिनी जो होते हैं MNIT से पास आउट, उन सभी को बुलाया जाता है। बाकी एलुमिनी भी MNIT के यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम में सेलिब्रेशन करने। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है और MNIT का एलुमिनी डे भी है, तो इसी को जयंती का एलुमिनी डे भी मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में देखो, इस जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिसके नाम पर MNIT का नाम है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले ये MRIC था, अब MNIT का नाम बन गया और ये वही एडमिन ब्लॉक है जिसमें हमने कभी यहाँ एडमिशन लिया था। ये बर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय के रूप में सेलिब्रेट किया गया, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। सोलंकी बोस हैं और हमारे यहाँ के एलुमिनी के प्रेसिडेंट हैं। आज के क्वेश्चन में क्या तैयारी बताएं बोस? हाँ, हमारी पूरी टीम ने, एसोसिएशन की पूरी टीम ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर के जबरदस्त तैयारी की है। आप सब देख ही रहे हैं किस तरह की तैयारी है, बहुत मजेदार। हम स्वागत कर रहे हैं आप सबका यहाँ पे, इतने सालों बाद में कॉलेज आए, इंस्टीट्यूट आए। सही बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हर साल की तरह इस साल भी एलुमिनी मीट का जो बोर्ड बनाया गया, और ये देखिए एंट्रेंस का, तो ये भी बनाया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पंडाल भी लगाया गया और ये वही सेंट्रल हॉल। वो सभी आर्किटेक्चर इंजीनियरों के द्वारा बनाई अद्भुत कलाकृति। ये MNIT के डायरेक्टर साहब, उपाध्याय साहब, दो तरह से बैच बना रखे, गोल्डन बैच एंड सिल्वर बैच। सिल्वर बैच आई रिपीट अगेन, गोल्डन बैच जो है सभी लेफ्ट हैंड साइड का पूरा बैच अलग अलग ग्रुप्स में बैठ गया। और ये जो शख्स देख रहे होंगे, ये अरोड़ा सरा, ये सब और ये बैच अलग अलग समूह में बैठा हुआ है। हेलो दोस्तों, आज गोयल साहब बोस भी मिले हमारे लोड लिए जो हमारे बीटेक के टाइम मिले। कुछ बोलोगे बोस? अरे बोल दो यार, दो सब तो देखे वीडियो में नाराज हो रहे उस मूड में हम लो क्या बुलवा रहे हो, क्या बुलवाना चाह रहे हो? कब कब के पास आउट हो? 98 के पास आउट। वैसे मैं 96 2000 का था, मेरे सीनियर बॉस हो गए। थैंक यू। MNIT का वो स्कूटर है जो पिछले कई सालों से खड़ा हुआ है, ये सभी लोग स्टार्ट करने को। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत जोरदार तैयारी की गई है और सभी लोग अपने पुराने समय को, पुराने टाइम को याद कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग में अथक मेहनत के बाद में अपनी डिग्रियां प्राप्त किए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये छोटे छोटे बनाए गए ट्रेन का एक मॉडल दिया गया, जिसमें आप एलुमिनी का एक्सप्रेस के नाम से, यानी जुबली और सिल्वर जो है, तो उन सब का कॉन्सेप्ट। ये हैंगिंग करके भी कुछ बनाए गए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा। ये पुराने टाइम्स की देखो फोटोग्राफ्स जो MNIT के स्टूडेंट्स ने सजो कर रखी हुई है, उन सब का सिल्वर कोऑर्डिनेट बैच, प्रिंसिपल साहब देवराज सोलंकी एलुमिनी। इंस्टीट्यूट प्रोफेसर IMP पाड़ी सर, बैच कोऑर्डिनेटर गोल्डन जुबली 1978 महेंद्र खुराना जी, माई बॉस ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो
alumni of this institute, 1986 pass out. So always is a tradition to say boss. So that has been, I think, parampara of this institute. Or first year se ye cheez sikha di jati hai. So Mahendra Khurana boss. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग डिस्ट्रीब्यूट गोल्डन जुबली एंड सिल्वर जुबली अलुमनाई एंड द फैमिली मेंबर्स. रेस्पेक्टेड वेरी वेरी सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, I am very, very motivated to see you and stand before you. I am feeling extremely humble and excited. Get another side. Though I do not belong to this institution as a student, but over a period of time, the kind of attachment I have developed is unbelievable. अतिथियों का आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार. हम एसोसिएशन की तरफ से आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आदरणीय एनटी पाड़ी साहब, डायरेक्टर एनआईटी, चेयरमैन एनआईटी जयपुर अलुमनी एसोसिएशन, प्रोफेसर राकेश जैन हमारे गुरु जी भी रहे हैं, हमारे सीनियर भी हैं, डीन है अलुमनी अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की, बॉस महेंद्र खुराना बॉस जो कोऑर्डिनेटर है 1978 मैच के, अतुल 98 मैच के कोऑर्डिनेटर, आशीष हमारी एसोसिएशन के मेंबर हैं और इस आयोजन के कन्वीनर हैं, और हमारे सभी परम आदरणीय गुरुजन जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है. मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सबको इंतज़ार है अपने कंसल्टेशन का. मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि एसोसिएशन ने सबसे पहले सिल्वर जुबली प्रोग्राम अपने लेवल पे स्टार्ट किया था 1998 में. तब हम कॉलेज में नहीं आते थे, बाहर फंक्शन किया करते थे, सामान्यतः बिरला ऑडिटोरियम में फंक्शन हुआ करता था. 98 में हम दो दो बैच लेकर के सिल्वर जुबली मनाया करते थे. नॉर्मली सिल्वर जुबली बैच जो होता था वही कंट्रीब्यूट करता था अपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम के लिए. उसके बाद में हमने 2012 के अंदर ये तय किया कि हमें इंस्टीट्यूट के अंदर अपना सिल्वर जुबली फंक्शन मनाना चाहिए. तो इंस्टीट्यूट के उस समय डायरेक्टर से हमने बात करके, व्हाट्सएप थे शायद आई के व्हाट्सएप, उनसे बात करके फिर हमने ये तय किया कि इंस्टीट्यूट में फंक्शन मनाएंगे. और 2014 के बाद में हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया. तब भी हमने दो दो बैचेस को एक साथ बुलाया था गोल्डन जुबली के, और आज हम कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूट में आकर के हम गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली बैच का फेलिसिटेशन कर रहे हैं, करते रहेंगे. थैंक यू. ये बोलने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, बस एक दो ही बात बोलना चाहेंगे. पाड़ी साहब, हमारे गुरु राकेश जैन सर, हमारे प्रेसिडेंट देवराज सोलंकी बॉस, कि जो भी हमें अच्छा है वो इस कॉलेज के कारण है, और अगर कुछ थोड़ा बहुत बुरा है वो भी इस कॉलेज के कारण है. हम जो है आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, हमारे परिवार को पहुंचा है, उसमें इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है. तो हमें बहुत कुछ मिला है, और हमें मौका मिला तो हम इस कॉलेज को जरूर कुछ ना कुछ गिव बैक करेंगे सर. पूरा वादा करते हैं सर, कर लें वादा. आवाज नहीं आ रही है, कर लें वादा. थैंक यू. गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जी बताए. शिक्षा के इस पावन मंदिर में गुरुजनों को नमन करते संत कबीर के इस दोहे के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँ. वंदे श्री नारायण दास जी, डायरेक्टर MNIT, श्री राकेश जी डीन MNIT, देवराज जी सोलंकी प्रेसिडेंट मिर्जा, अतुल जी कोऑर्डिनेटर सिल्वर जुबली, आशीष जी कोऑर्डिनेटर. स्वर्ण जयंती समारोह में आज इस महाविद्यालय में हम सभी 1973 के बैच अपने जी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन. अ बिट ऑफ नर्वसनेस हियर फ्रॉम माय साइड, सो लेट मी जस्ट टेक अ पॉज एंड
just thought on what exactly I need to say. In fact, most of the points are already covered, but still, as I stand here and it has been requested, I need to say a few words. So I'm just again taking a time to what exactly I need to say. It's a bit difficult. When I'm standing here, I still recollect the first day of the college life when I was here, just pass out from this class, and as a hostelite, it was my first day. So all my bosses were there. So we had this share of ragging, and civil. After that, Anil Singh, metallurgical. Engineer joined NHPC is CPSOU in hydropower. Retired as chief engineer from irrigation department of government of Rajasthan. Electricity board and then retired as additional chief engineer. Dr. Anurag, presently team leader and solid waste management expert in Swachh Bharat Mission. Arjun, he was a silver medalist of our batch, very bright student, and he attained the highest position in his department as managing director of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited. The chief engineer of PWD, and again one of the very bright students of next our Arun Mathur. Next please, Arun. And he worked in various organizations, a very rich experience, and then was heading a company in Jakarta. Next, Ashok Gupta. He has made good fortune in own business. He has done very well in business. Ashutosh was from the metallurgy department, metallurgy branch, and very bright student of the college, and he was heading one of the steel factory. Next, Gajanan. Once I was from civil department, and he was in irrigation, and Chitarman. He retired as superintendent engineer from that department. CM Gupta, and he was heading the electricity board as managing director of Ajmer Vidyut Nigam Limited. Hemant Joshi. So Gajanan, again, he is a very bright student of our entire batch. He was the topper of civil engineering branch, and he headed the public work department PWD, first as chief engineer and then as the secretary of the department. After 2 years, switched over to public sector Rico Limited, and he worked as a CEO, as a capital venture fund, and he retired from there. Now, from 1978 to 1983, worked in JK Synthetic Coatile, NBC, Jaipur. Hemant Joshi or unke saath Urmila ji, and he headed the irrigation department as the chief engineer, and also worked in Kamal Khan Jain. He headed various department in Kathmandu, and last job was as the secretary of the public works department in Kathmandu. Deputy manager and manager with RFC. Mahendra Chitkara, in various department, and now he is doing his own business. He has done pretty well in his own business and doing power projects. One power project currently doing his work. Mahendra Chitkara, Manoj.
joined irrigation department and then retired as the chief engineer. Manoj is from electrical department and he has done few innovatives in his industry. He has own industry and he is doing very well in that, especially the submersible power pumps. Engineering department and he held very senior position in government of central government and then later in Delhi government. The last posting was the chief engineer and additional director general of CPWD. Mukesh, he did his engineering in metallurgical and then worked with the SAIL for 35 years and the last posting was general manager of sphere of life including civil engineering, I would say. And he held the central PWD. They are the first person from our batch to join the central government department and he was the additional director general of CPWD. Neil Swami sir. Special director general, I am sorry. And Sarvaj Gupta. Murari is from my own branch, electrical. He worked with the electricity board and retired as a chief engineer from Jaipur. Again, very, very nice, very humble person and very dear to all of us. Engineering and worked with PWD department and retired at a senior position from there. Our metallurgical department, Sumitra Dhanji, and worked with various government department and last posting was with Bureau of Indian Standards. Naresh Chitani. Naresh Chitani. Companies including Jindal Steel, Steel Authority of India, and was heading Jindal Steel as the general manager and CEO. Metallurgy department, and he also metallurgical department, and he worked with Rajasthan Financial Corporation. B.L. Swami sir. Civil department, and he worked with Rajasthan State Industrial Development Investment Corporation, and the last posting was this senior general manager. And then IAS position of managing director. Om Prakash Bhatnagar, Pankaj Saxena, Pramod Jaimini, Praveen Gar, Vitran Nigam Limited Jaipur ke director hain. Purushottam Jet Patel. He is from civil engineering department, worked both in India and abroad, had very rich experience and was heading one time DLF as a civil engineering department of DLF. And worked in various companies and his last posting was with Indore Kalghat NH3 project and thermal power project at a very senior level. He retired as a senior general manager of the company. R.K. Singhvi, DBVNL. From civil engineering and he is having a very rich experience and headed various companies in Middle East, in India and Abu Dhabi. And his professional journey includes various mechanics, own business. He's into the construction business. And doing very well at based in Bangalore. I love it.
रविंद्र बर्वाकर में, शैलेंद्र शर्मा, शिवलहरी शर्मा, श्रीनिवास विजय, रमेश फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, and he worked with various, and he was the one there were two students sir who selected in IIM from our batch, so he is one of them selected in IIM Calcutta, and there he worked with various government department at very senior position, and last was with Ministry of Social Justice Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. Shailendra Sharma, Shailendra again very very bright student. Shivlari Sharma, the silver medalist of our civil engineering batch. No, gold medalist. I'm sorry, Gajendra is a goof up. Gold medalist of our batch. And then he retired from PWD. Surendra Singh Kutla, SS Katiyar, Srinivas Vijay from electrical. Acha. Hi. Yeah. Steel Authority of India Limited and retired as the general manager. SS Bharat. And retired as the superintendent in India there. Very dear to all of us. Sunil Gupta, mechanical engineering, and initially his entrepreneur work that took him to the entrepreneurial area and was very successful. He is at mechanical engineering department. He worked with Rajasthan State Industrial Development Investment Corporation and retired as the general manager. From mechanical engineering department and worked with various companies, private sector, including LML, scooter company, Force Motors, Tech Force department, and he was working with JBBNL and retired as the chief engineer JBBNL. Sunil Goyal, he worked with the NBC for so many years. He was at a very senior position at ONGC. The last posting was executive director. Vijendra Sharma, Vinod Mathur, Vinod Prakash Garg, good person, a leader of student. He worked with the Vidyut Prasaran company and retired at the senior position. Vijay Sharma from American Metallurgical Branch, and he worked with NBC initially and then with various government companies, including the last posting was with SQF. He is from civil engineering and he worked with the Rajasthan Education Department and was heading the department as the chief engineer. You wait for the madam. Entrepreneurial journey. He is a self-employed person and self-made person. A very social person. He is our batch coordinator. Not only that, he is a good kavi, poet. And Mrs. Khurana is also equally involved in party. He was first of all,
आप प्रोफेसर वैसी भट्ट साहब फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर भाई सिंघानी साहब सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट The certificate from Party ji at that time. The Vice Chancellor was Rajasthan University ke jo Vice Chancellor hai wo Odisha ke hai. Wo jaisa ki baat hum yahan pe. Neeraj Rajvanshi, Mukund Sharma, Sudhanshu Bhardwaj, video le raha hai. प्रोफेसर से गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं बीएस व्यास प्लीज कम वीडियो आने के पता क्या होता है एक बार में लेके आया उनको कैंटीन में लेके जस्ट बैच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच MNIT जयपुर बीच में सेंटर में सेंटर हो जाइए 98 बैच है 98 बैच इलेक्ट्रॉनिक ईसी 98 बैच सुनील कुमार गोयल फोर्स 98 बैच के अलवर से विकास शर्मा इलेक्ट्रिकल ब्रांच 98 बैच सिल्वर हेलो दोस्तों, आज 25 दिसंबर को तुलसी दिवस भी है। इस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है और तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारे सनातन धर्म में एक अच्छी परंपरा है। इसी दिन मेरा भी जन्मदिवस आता है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको। और MNIT के हमारे बहुत सारे बॉस और सीनियर जो कॉलेज से पास आउट हैं, वो सभी लोग मिले और उन्होंने बहुत कुछ नया बताया, कई चीज़ों के बारे में दिशा निर्देश दिए, गाइड किया। आर.के. शर्मा बॉस, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो भी मिले, उनसे भी बात की, बहुत ही अच्छा लगा। तो इन सब का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मेरे पर बना रहा है।
ये लोग बस की फोटो भी आई है, बस नाम तो बताओ। हमसे एमसीटी परिवार।